हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बजट फ्रेंडली कार्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये आम आदमी के लिए अफोर्डेबल है, जो ऑन रोड न्यू दिल्ली के हिसाब से 6 लाख के अंदर आ जाती है। टोटल इस लिस्ट में 7 कार्स हैं, सबको प्राइस के हिसाब से पोजीशनिंग किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना लिटिल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है फ़ाहद खान और मैं अपने इस चैनल पर ऐसे ही ऑटोमोबाइल कंटेंट लाता रहता हूँ। बात करें 7th पोजीशन की, तो टाटा मोटर्स की तरफ से टियागो है। ये एक एंट्री लेवल की हैचबैक है। एक्स रूम प्राइस की बात करें तो 5,60,000 से स्टार्ट होकर 8,11,000 रुपये तक आ जाती है। इसका बेस वेरियंट जिसका नाम एक्स ई है, वो आपको 6,18,000 रुपये तक मिल जाएगा ऑन रोड न्यू दिल्ली के हिसाब से। 1199 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 72 bhp और 95 nm का टॉर्क निकालता है। 19 से 20 kmpl का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। इसमें CNG का भी ऑप्शन आता है, जो कि आपको 7,33,000 रुपये तक ऑन रोड मिल जाता है। CNG वाला ऑटोमेटिक भी आता है, उसके लिए आपको टॉप वेरिएंट के तरफ मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट 6 पोजीशन पर मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली मोस्ट पॉपुलर कार वैगनार है। इसका एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 5,54,000 रुपये से स्टार्ट होकर 7,42,000 रुपये तक आ जाता है। इसका बेस वेरिएंट है LXi, जो कि 6,10,000 रुपये तक ऑन रोड न्यू दिल्ली के हिसाब से आ जाता है। इसमें 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। इसमें पावर 88 bhp की और 113 nm का टॉर्क मिल जाता है। 23 से 24 kmpl की माइलेज दे देती है। CNG और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को भी मिल जाता है, उसके लिए आपको टॉप वेरिएंट की तरफ देखना पड़ेगा। 5वें नंबर पर मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली इको है। ये 5-सीटर 7-सीटर दोनों ही वेरिएंट में आ जाती है। इसका एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 5,27,000 से स्टार्ट होकर 6,53,000 रुपये तक मिल जाता है। 6 लाख में इसका बेस वेरिएंट STD मिल जाता है, जिसमें 1197 सीसी का इंजन, जो कि 70 bhp और 95 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके दे देता है। STD CNG करके भी ऑप्शन आता है, जो STD वेरिएंट से 24,000 रुपये तक महंगा आता है। 6,24,000 तक आ जाता है समथिंग। 19 kmpl की माइलेज इसमें कंपनी क्लेम करती है। 4th नंबर पर मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली सिलेरियो है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लें तो 5,37,000 से स्टार्ट होकर 7,14,000 रुपये तक मिल जाता है। इसका बेस वेरिएंट LXi, जो कि आपको 5,91,000 रुपये तक मिल जाता है। 998 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है इसमें, जो कि 65 bhp और 89 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 24 से 25 kmpl की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। इसमें CNG AMT का भी ऑप्शन आता है, जिसके लिए आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। 3rd पोजीशन पर रेनॉल्ट की क्विड है, जो कि आपको 4,70,000 से स्टार्ट होकर 6,33,000 रुपये तक एक्स शोरूम प्राइस मिल जाती है। इसका बेस वेरिएंट RXe है, जो कि आपको 5,57,000 रुपये तक मिल जाता है ऑन रोड न्यू दिल्ली के हिसाब से। 999 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है सिर्फ इसमें। 67 bhp की पावर मिल जाती है इसमें और 91 nm का टॉर्क मिल जाता है। 22 kmpl की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। 2nd पोजीशन पर मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस 4,26,000 से स्टार्ट होकर 6,12,000 रुपये तक मिल जाती है। इसका बेस वेरिएंट STD है। 4,37,000 रुपये तक मिल जाता है वो ऑन रोड न्यू दिल्ली के हिसाब से, जिसमें 999 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 65 bhp की पावर और 82 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 24 से 25 kmpl की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अब सबसे सस्ती कार के बारे में बात करेंगे। इससे सस्ती कार इंडियन कार मार्केट में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है। मारुति सुजुकी की तरफ से ये अल्टो K10 है। इससे पहले इससे सस्ती अल्टो थी, लेकिन उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसका एक्स शोरूम प्राइस 3,99,000 से स्टार्ट होकर 5,95,000 रुपये तक मिल जाता है। पेट्रोल और CNG दोनों ही ऑप्शन में आती है। इसका STD वेरिएंट 4,44,000 रुपये तक मिल जाता है ऑन रोड न्यू दिल्ली के हिसाब से। 1998 सीसी का इंजन आता है इसमें, जो कि 65 bhp की पावर और 82 nm का टॉर्क निकालता है।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।